सही ज्ञान ना होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, आओ बैठो, दूर उधर एक बाबड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकाल कर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ, शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। कुछ समय यूँ ही गुजर गए। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काट कर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज जिस जंगल से मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया, अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचे। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं, अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखों मरने से बच जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया, चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई वन ना था, चंदन का कोई भी वृक्ष नहीं था। राजा ने घबरा कर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा, पदाधिकारियों ने कागजों की ओर, छानबीन करके बोले, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए, उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश उदास विचार मग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ शेष रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे, सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता, अभी दो तीन हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो,
और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम कमार लगता है। यह देखकर उसने बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया, यह जानता है। उसने बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4। कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकारकर उसने कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। कहानी को ख़त्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही भांति हैं। राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, यानी कि अब जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।